हे दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त इंजीनियर कुमार मनी स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया में। दोस्तों अभी आपने जॉब इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो। बिल्कुल दोस्तों परमानेंट सरकारी नौकरी लेकर आ चुका हूँ। यह भर्ती गोवा शिपयार्ड लिमिटेड से निकाली गई है जो कि स्टाफ नर्स के लिए निकाली गई है। इसके अलावा ग्रुप डी की निकाली गई है, ITI वालों के लिए भी निकाली गई है। टोटल 137 पदों पर यह भर्ती ऑफिशियली जारी कर दी गई है जिसमें आप लोग नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। दोस्तों इसमें आपकी भर्ती इंडियन नेवी में भी होने वाली है। तो दोस्तों आप सभी लोग जो हैं 14 जून 2021 तक अप्लाई कर सकते हैं। तो आप सभी को इस वीडियो में क्वालिफिकेशन के बारे में, जॉब लोकेशन के बारे में, सैलरी के बारे में और कैसे आप लोगों को फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करना है, अप्लीकेशन फ़ीस कितनी है, A to Z सारी जानकारी दोस्तों आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो हमारे साथ बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए। दोस्तों परमानेंट सरकारी भर्ती है, तो चलिए आपको लेके चलते हैं ऑफिशियली नोटिफिकेशन पर। अभी आप लोग दोस्तों देखिए मैंने जो है ऑफिशियली नोटिफिकेशन ओपन कर रखी है जो कि यहाँ पे चेक कर सकते हैं, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। तो बिल्कुल दोस्तों परमानेंट सरकारी भर्ती है, ऊपर आप लोग चेक कर सकते हैं जिसमें डेट भी मेंशन की गई है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड से यह भर्ती निकाली गई है जिसमें यहाँ पे बोला जा रहा है आप लोग चेक कर सकते हो इंडियन नेवी एंड इंडियन कोस्ट गार्ड। तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी लोगों के लिए भर्ती होने वाली है। इसमें जो है एक मिनी रत्न कंपनी है जो कि आप सभी लोगों के लिए जो भर्ती होगी वह इंडियन नेवी में होगी और इंडियन कोस्ट गार्ड में भी होने वाली है। तो इसमें दोस्तों आप सभी लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो जिसमें ऑनलाइन आप लोग अप्लाई करेंगे जो कि ऑफिशियली वेबसाइट यहाँ पर दिया गया है www.govashipyard.in। ये है ऑफिशियली वेबसाइट, यहाँ पे जाके आप लोग फॉर्म जो है ऑनलाइन अप्लाई कर सकती हो। तो इसमें दोस्तों आप लोग देखिए तो नंबर वन जनरल फिटर की वैकेंसी है जिसमें फिटर की वैकेंसी 5 वैकेंसी है। इसमें 15,100 से लेकर 53,000 रुपये आपको सैलरी मिलने वाली है जिसमें एज जो है आपकी 31 मार्च 2021 तक काउंट की जाएगी। आगे देखते हैं इलेक्ट्रिकल मैकेनिक की वैकेंसी है, एक वैकेंसी है जो कि EWS में है और सैलरी बिल्कुल यहां पे सेम होने वाली है। आगे देखते हैं कॉमर्शियल असिस्टेंट की वैकेंसी है, मुंबई ऑफिस के लिए एक वैकेंसी है जिसमें सैलरी आपको अधिकतम सैलरी 57,500 रुपये मिलने वाली है। आगे देखते हैं तो यहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंट QA की वैकेंसी है, 3 वैकेंसी है जो कि OBC के लिए एक वैकेंसी है और UR कैटेगरी के लिए 2 वैकेंसी है। इसमें अधिकतम सैलरी 63,500 रुपये मिलने वाली है। अनस्किल्ड की वैकेंसी है जो कि अगर आप लोग यहाँ पे देखिए अनस्किल्ड की वैकेंसी है, 25 वैकेंसी है जिसमें सैलरी अधिकतम सैलरी 35,000 रुपये मिलने वाली है। आगे देखते हैं तो लेमिनेटर की वैकेंसी है और लेमिनेटर की जो है 5 वैकेंसी है, तो FRP लेमिनेटर की 5 वैकेंसी जिसमें सैलरी अधिकतम आपको 63,500 रुपये मिलने वाली है। आगे देखते हैं क्रेन ऑपरेटर EOT क्रेन ऑपरेटर के लिए 10 वैकेंसी है जिसमें अधिकतम सैलरी 48,500 रुपये मिलने वाली है। वेल्डर के लिए 26 वैकेंसी है, इसमें सैलरी 53,000 रुपये आपको मिलने वाली है। और फिटर जो कि 42 वैकेंसी है और स्टाफ नर्स की वैकेंसी है जो कि 3 वैकेंसी है, तीनों वैकेंसी UR कैटेगरी में है और इसमें दोस्तों OBC वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, SC और ST वाले भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टाफ नर्स के लिए कुल 3 वैकेंसी है जिसमें अधिकतम सैलरी 63,500 रुपये मिलने वाली है। आगे यहाँ पे देखिए तो टेक्निकल असिस्टेंट मुंबई ऑफिस के लिए 2 वैकेंसी, टेक्निकल असिस्टेंट स्टोर्स जो कि 5 वैकेंसी, ट्रेनिंग खलासी के लिए 9 वैकेंसी है जिसमें यहाँ पे जो है आप लोग देखिए तो सैलरी के बारे में इन्फॉर्मेशन है जो कि अधिकतम सैलरी 53,000 रुपये मिलने वाली है और टेक्निकल असिस्टेंट की जो सैलरी है अधिकतम सैलरी 63,500 रुपये दोस्तों होने वाली है। आगे यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है जिसे आप लोग रीड कर सकते हो। इसमें आप लोग जो है लास्ट डेट जो है ऑनलाइन अप्लाई करने की 4 जून शाम को 5 बजे तक जो है ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो और इसमें जो है डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू आप लोग जो यहाँ पे फॉर्म है उसको आपको भेजना है जिसकी लास्ट डेट 14 जून 2021 रखी गई है। तो यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं तो जनरल फिटर में देखिए 5 वैकेंसी है जिसमें ITI वाले फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और 2 साल का अगर मिनिमम एक्सपीरियंस है तो बिल्कुल आप लोग फॉर्म को जो है अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद इलेक्ट्रिकल मैकेनिक की वैकेंसी है जो कि एक वैकेंसी है और कम से कम 2 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस चाहिए। आगे देखते हैं अनस्किल्ड की 25 वैकेंसी है जिसमें अगर आप लोग 10वीं पास कर रखी हो और कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस है तो बिल्कुल आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकती हो। या आपने अगर सिर्फ ITI कर रखा है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, ITI वाले जो हैं फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं बिना एक्सपीरियंस के।
जी हाँ ठीक है, आगे देखते हैं नंबर 6। इसमें भी यहाँ पे जो है बोला जा रहा कि अगर आप लोग 10वीं पास कर रखे हो या आपने जो है 10वीं पास के साथ अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रखा है या सिर्फ बिल्डिंग इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कर रखा है और कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस है तो बिल्कुल आप लोग एफ आर पी लेमिनेटर के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। आगे यहाँ पे देखिए, इसमें EOT क्रेन ऑपरेटर, इसमें अगर आपने ITI कर रखा है तो बिल्कुल फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। वेल्डर के लिए 26 वैकेंसी है जिसमें ITI वाले फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर 2 साल का एक्सपीरियंस है तो बिल्कुल फॉर्म को अप्लाई करिए, बिना एक्सपीरियंस वाले अप्लाई करेंगे। और अगर आपने अप्रेंटिस कोर्स कर रखा है तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। आगे देखते हैं, तो इस तरह से ITI वाले फॉर्म को अप्लाई करेंगे और कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है। स्टाफ नर्स के लिए कुल 3 वैकेंसी है जिसमें BSc नर्सिंग अप्लाई कर सकते हैं, साथ ही GNM वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें कम से कम 2 साल का अगर एक्सपीरियंस है तो बिल्कुल आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। इसमें दोस्तों आपको बता दें, अगर आपने BSc नर्सिंग कर रखा है तो बिल्कुल फॉर्म को अप्लाई करिए, या GNM कर रखा है फॉर्म को अप्लाई करिए। और अगर आपको लैंग्वेज आता है हिंदी एंड इंग्लिश या कोंकणी लैंग्वेज या मराठी लैंग्वेज तो बिल्कुल आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे GNM और BSc नर्सिंग जो है स्टाफ नर्स के लिए दोस्तों फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। ट्रेनिंग खलासी के लिए यहाँ पे देखिए ITI वाले अप्लाई करेंगे। अगर आपने सिर्फ ITI कर रखा है तो बिल्कुल बहुत ही ज़बरदस्त वैकेंसी है, ITI वालों के लिए सबसे ज़्यादा वैकेंसी यहाँ पे है। आगे देखते हैं, डिमांड ड्राफ्ट की यहाँ पे बात हो रही है जिसकी लास्ट डेट 14 जून 2021 रखी गई है और 200 रुपये का यहाँ पर डिमांड ड्राफ्ट आपको बनवाना है। इसके अलावा SC ST और जो EX सर्विसमैन है उनके लिए कोई भी फीस नहीं है, एप्लीकेशन बिल्कुल फ्री है। और जो OBC हैं और जो UR कैटेगरी हैं उनके लिए 200 रुपये का यहाँ पे डिमांड ड्राफ्ट दोस्तों बनने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से जो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है जिसे आप लोग रीड कर सकते हैं। और इसमें आपको बता दें, जो आपकी एज काउंट की जाएगी 31 मार्च 2021 तक काउंट की जाएगी और जो आपकी एक्सपीरियंस का जो पीरियड है 31 मार्च तक जो है काउंट की जाएगी। तो बिल्कुल परमानेंट सरकारी भर्ती है, तो फॉर्म को जो है आपको ज़रूर अप्लाई करना है। इसमें जो है आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी गई है, अच्छे से चेक कर लेना। ऑनलाइन अप्लाई जो है आप लोग कर सकते हो, जो कि ऑफिशियली वेबसाइट यहाँ पर दिया गया है, जाके अभी आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकती हो। तो यहाँ पे ऑफिशियली वेबसाइट दिया गया है, इस पर जाके क्लिक करना है और क्लिक करके जो है आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकती हो। तो दोस्तों ऑफिशियली नोटिफिकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकती हो। तो दोस्तों यहाँ पे जो है आप लोग देख सकते हैं, मैंने जो है ऑफिशियली वेबसाइट ओपन कर रखी है। दोस्तों इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, यहाँ पे जाके आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे ही दोस्तों आप लोगों को जो है ऑनलाइन अप्लाई करना है। इसमें दोस्तों आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ऊपर जो है आपको यहाँ पे 3 डॉट्स मिल जाएंगे और नीचे भी आपको जो है इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जाके आप लोग जो है फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी इन्फॉर्मेशन है, नीचे आप लोग कमेंट कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।